खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। सांस्कृतिक एवं सामाजिक अकादमी प्रतिबिंब द्वारा आयोजित पुण्यात्मा गिरीशचंद्र वाजपेयी स्मारक व्याख्यान माला पुष्पगिरी निकुंज सभागार में हुई। इस व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता के तौर पर इंडिया टुडे के संपादक अंशुमन तिवारी ने भारतीय लोकतंत्र और बदलते प्रतिमान विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की। श्री अंशुमन तिवारी ने तमाम उदाहरण एवं वेद पुराणों पर आधारित पद्धति पर लोगों को प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उन्हें आत्मा गिरीशचंद्र वाजपेयी के 14 व्याख्यान माला में इंडिया टुडे के संपादक अंशुमन तिवारी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मान भी दिया गया। इस दौरान प्रतीक वाजपेयी की स्मृति में शोध छात्र को 10,000 की धनराशि एवं प्रमाण पत्र दिया गया तथा आशा की गई कि वो पैसे वो अपने शोध में लगाएंगे। इससे पहले अतिथियों का स्वागत अरुणेश वाजपेयी ने किया। वहीं श्री तिवारी का संक्षिप्त परिचय अखिलेश वाजपेयी जी ने दिया। इसके अलावा आलोक टंडन ने पुण्यात्मा गिरीशचंद्र वाजपेयी जी के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन अनिल श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से रमेश चंद पाठक, भजनलाल सलमानी, रजनीश त्रिपाठी, राकेश मल्होत्रा, अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य जितेंद्र वाजपेयी, क्षेत्र गृह के अध्यक्ष अमित दीक्षित, आप और हम के कमलेश पाठक, अवनीकांत वाजपेयी, महेश मिश्रा, मनीष श्रीवास्तव, आनंद गुप्ता, वंशीधर शुक्ल, ऋषि कुमार सैनी, आलोक श्रीवास्तव, मोहित त्रिपाठी, अमित दीक्षित, पूर्ण कुमार गुप्ता समेत नगर के तमाम पुरोधा मौजूद रहे। महात्मा गिरीशचंद्र वाजपेयी स्मृति व्याख्यान माला पिछले 14 वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है, जिसमें तत्कालीन ज्वलंत विषयों पर व्याख्यान हुआ करते हैं। पिछले 13 वर्षों में अनेक व्याख्यान हुए हैं जिसमें उस समय के ज्वलंत विषयों पर व्याख्यान उस समय के तत्कालीन विशेषज्ञों द्वारा दिए गए। उसी क्रम में आज ये 14वीं व्याख्यान माला है और इसमें इंडिया टुडे के हिंदी के संपादक श्री अंशुमन तिवारी जी मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर पधारे हैं दिल्ली से, और आज के विषय भारतीय लोकतंत्र बदलते प्रतिमान पर वो अपना व्याख्यान उन्होंने प्रस्तुत किया। और व्याख्यान के पश्चात बहुत से लोगों ने अपने प्रश्न भी किए और उन प्रश्नों के उन्होंने समुचित उत्तर दिए, और मुझे लगता है कि ये व्याख्यान माला एक सार्थक रूप ले पाई है, ऐसा मेरा मानना है। कोई कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, अगर संसद चल रही होगी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पहले तो उनके प्रश्नकाल ही होगी, और हर दोनों हाउसेज में लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रियों के पोस्टर लगे होते हैं, संसद में प्रश्न का पूरा ध्यान होता है, सरकारी मंत्रालयों में जब तक लोग होते हैं और मंत्री को खड़े होकर प्रश्न का जवाब देना पड़ता है, यहाँ शुरू होता। इसके बाद सीएजी है, एस्टीमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, सीनियर पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो कंसिस्टेंटली सरकार से सवाल पूछती रहती है, सरकार को गोल करते रहती है। उसके बाद अदालतें हैं, मीडिया है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।